तो यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर बाद में क्या है कि साइड में ऑप्शन दिखेंगे, इन ऑप्शन के नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स जितने भी नए सब्सक्राइब मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आपको अगर सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और बाकी मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको, सीमेंस कंट्रोल के अंदर हम किस तरह से प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या ब्लॉक है, ये सारे ऑप्शन आपको साइड में दे रखे हैं। तो यहाँ से मैं क्या है कि एक बार इनको सभी को अप साइड में ले आता हूँ, इनको सबको सेलेक्ट कर लिया है मैंने, ठीक। मार्कोल करके मार्क का ऑप्शन है, ये मार्क पर देखिए मार्क कर रखा है, नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है इसके बाद, ठीक है। पूरे को मार्क करने के बाद ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, इससे हमको जितने भी ब्लॉक लेने हैं हम सारे ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अप डाउन हम कर सकते हैं और ये इनपुट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ M30 ब्लॉक वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, देखते हैं अभी हम। अभी यहाँ पर नीचे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ, देखिए कॉपी तो मैंने कर लिया है और ये नीचे कॉपी का जो पेस्ट का ऑप्शन है बस ये पेस्ट कर दिए, हो गया ये। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये जितने भी ब्लॉक्स दे रखे हैं यहाँ पे मार्क का ऑप्शन है, मार्क से आपको सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉपी करना है। कॉपी के बाद में आपको कहीं पे भी जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। दोस्तों फानू के कंपेयर में देखा जाए तो सीमेंस के अंदर काफ़ी ईजी होता है, आप देख सकते हैं पूरे ब्लॉक, देखिए M30 वाला ब्लॉक ऊपर रह चुका है। यहाँ से मैं अप ले जा रहा हूँ बार बार इसको, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ब्लॉक्स हैं सारे। ये T1 वाला ब्लॉक पूरा आ चुका है, जैसा कि हमने M30 ऊपर भी M30 नीचे भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कहीं पे भी आपको जाके मार्क के ऑप्शन से मार्क से आपको सेलेक्ट करना है, मार्क से आपको सभी भी देखिए सभी ब्लॉक मार्क ही हो गए, सारे ब्लॉक मार्क हो गए। अब मैं चाहता हूँ इन सभी ब्लॉक को मैं कट कर दूँ, तो आपको कॉपी तो मैंने बता ही दिया है, मैं इसको कट कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये M30 पूरा ब्लॉक कट कर दूँगा मैं यहाँ से, ये कट का ऑप्शन, ये रहा पेस्ट के नीचे कट का ऑप्शन, कट करोगे तो कट हो जाएगा, पेस्ट करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, कट करेंगे कट हो गया है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मार्क का ऑप्शन, कॉपी का और पेस्ट का।